छात्र क्लब ग्रुप एवं आस्था जीवन की ओर से विश्व महिला दिवस के अवसर पर विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में होली मिलन समारोह एवं प्रशस्ति पत्र देकर महिलाओं को सम्मानित किया गया। विश्व महिला दिवस के अवसर पर छात्र क्लब एवं आस्था जीवन की ओर से आयोजित महिला सम्मान समारोह में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू जागरण मंच के प्रदेश संरक्षक प्रिंस अजमानी, रांची जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा उपाध्यक्ष लक्ष्मण मुंडा, मिसेज इंडिया इंस्पिरेशनल दीवा 2018 मुख्य रूप से उपस्थित रहे। महिलाओं को संबोधित करते हुए जागरण मंच के प्रदेश संरक्षक प्रिंस अजमानी ने कहा कि महिलाएं हर पुरुष के जीवन का स्तंभ होती है। आज महिला दिवस के अवसर पर मुझे इस मंच पर बुलाकर महिलाओं के लिए दो शब्द बोलने का मौका मिला, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आगे भी मैं महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के विकास के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मिसेज इंडिया इंस्पिरेशनल दीवा 2018 रह चुकी नम्रता सोनी ने कहा, जीवन एक संघर्ष है, हमेशा संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए, सफलता तभी मिलेगी। मौके पर छात्र क्लब ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष शिव किशोर शर्मा जी ने महिलाओं को प्रशस्ति पत्र आए हुए मुख्य अतिथियों द्वारा दिलवाया और हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि महिलाओं का उत्थान कैसे हो। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से विकास की रिपोर्ट। लोगों को, लेकिन जिस तरीके से शर्मा जी ने सब मोतियों को पिरो के रखा हुआ है, ये अपने आप में एक सराहनीय और कहिए तो मुझे गर्वान्वित महसूस हो रही है कि शर्मा जी जो कि सामाजिक फील्ड में पिछले 25 सालों से सक्रिय हैं और मतलब जितने भी आप सामाजिक लेडीज़ हैं, सारे महिलाएं हैं, वो आज एक मंच पे इकट्ठा हुई हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि जो कि अच्छे बड़े बड़े कार्यक्रमों देखने में नहीं मिलता। नमस्कार, प्रणाम, जोहार मेरे सभी खबर 365 न्यूज़ के दर्शकों को। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आज 8 मार्च है, महिला दिवस है और महिला दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ शिव विश्वनाथ शिव मंदिर प्रांगण में जो है आज यहाँ पर महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। 8 मार्च जैसा कि हम जानते हैं महिला विश्व महिला दिवस है और आज महिलाओं को हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है छात्र क्लब यूनिट की ओर से। जैसा कि हमारे बीच में प्रसिद्ध समाज सेवी कुमुद झा जी हैं, धन्यवाद। और सबसे पहले तो हमारी सारी बहनों को आज का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो हमारा दिवस तो है ही, हमारा दिवस मतलब हमारे हमने हम जो योगदान इस समाज में दे रहे हैं, जो जिस मजबूती से कंधे मिला के चल रहे हैं, उसका सम्मान हमें आज मिलता है, तो ये खुशी तो है ही। उसके साथ आज हम होली का उत्सव भी मना रहे हैं, तो हमारी खुशी दोगुनी हो गई है क्योंकि रंग गुलाल लगा करके हम ऐसे ही अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। तो आज हमारे लिए जीत की जश्न है कि हम लोग को ये सम्मान हमारा समाज दे रहा है कि हम कंधे से कंधे मिला के चले और इस समाज को समाज का एक पिलर बन के हम भी खड़े हैं। आज जैसा कि हमारे बीच में एक और शख्स भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि दो शब्द आज महिला दिवस है। आप क्या? मैं कौशल जायसवाल। धन्य वो महिलाएं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्हें और उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ कि जो आज के डेट में हमारे साथ जितना वो लोग चल रहे हैं कदम से कदम मिला के, मैं उनसे मतलब अपने दिल से उनके लिए ये करता हूँ कि वो आगे और बढ़ते जाएं और पुरुषों को पीछे छोड़ के वो आगे भी की ओर जाएं। इसी तरह से आगे बढ़ना ही जीवन का नाम है और महिला दिवस है, आज 8 मार्च है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं जुटी हुई हैं और हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए, किसी न किसी क्षेत्र में महिलाएं कार्य करती हैं, उसके लिए प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आज महिला दिवस के अवसर पर जो है आज यहाँ ढेर सारी महिलाओं को शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं और होली का जो मिलन समारोह है वो भी यहाँ पर मनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे बीच में हिंदू जागरण मंच के प्रदेश संरक्षक प्रिंस अजमानी जी हैं, वो इस वक्त जो है प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। मेरा नाम नम्रता सोनी है, मैं मिसेज इंडिया इंस्पिरेशनल दीवा 2018 रह चुकी हूँ। रांची में प्रभात खबर के सावन क्वीन में भी मैं पार्ट ले चुकी हूँ, सावन क्वीन भी बन चुकी हूँ 2-3 जगह पे। उसके अलावा कई जगह पे मुझे एज ए जज जूरी मेंबर भी बुलाया जाता है ब्यूटी पेजेंट्स में, पूरी, बालांगीर, राउरकेला, जमशेदपुर,
ये सब जगहों पे मैं जा चुकी हूँ एक जज बन करके, और मुझे समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान मिला है इस क्षेत्र में आने के बाद। कैसा लग रहा है इस मंच पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, शर्मा जी ने बुलाया और मुझे इस तरह से सम्मानित किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रांची में इतने 4-5 साल रहने के बाद जब इस तरह की पहचान बनती है तो किसी को भी बहुत अच्छा लगता है, जिस जी को भी अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, महिलाओं को जो जिस क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ती हैं उस हिसाब से उनकी पहचान जब बनती है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं तो खुशी मिलती है। महिला दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहिएगा हमारी देश की बहनों को? यही कहूँगी कि अपनी उम्र के हिसाब से ना चले, आपकी आपका उम्र आपका दिल में है, जोश के साथ भरे रहे और जब जहाँ जैसा मौका मिले ज़रूर आगे बढ़े। JMM से जिला अध्यक्ष हैं लक्ष्मण मुंडा जी, आज महिला दिवस के अवसर पे इस मंच पर आए हुए हैं महिलाओं को अग्रसित करने के लिए कि अपने राह में कभी रुके नहीं, क्या कहेंगे आज महिला दिवस से? देखिए, महिला दिवस एक बहुत ही अच्छा दिवस है, महिला हमारे समाज में बहुत बहुमूल्य जगह मानी जाती है और महिला दिवस के अवसर पर हम यही कहना चाहूँगा कि महिला दिवस जो है एक बहुत ही अच्छा दिन है और इस दिन को महिला को सम्मान देना चाहिए। और साथ में हम लोगों को जो यहाँ पर आकर के बहुत खुशी हुई कि महिला दिवस में हम लोग आकर के सबसे पहले हम पुरुषों को सम्मानित किया गया, साथ में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहेंगे और महिला को सम्मान देना चाहेंगे कि महिला हर क्षेत्र में आगे आए और उनको सुरक्षा का भी हम लोग को जिम्मा लेना चाहिए, चाहे प्रशासन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आम आदमी हो, हर एक को महिला को संरक्षण दे करके महिला को आगे लाने की ज़रूरत है। काहे कि महिला एक परिवार का रीढ़ होती है और महिला को हमेशा उनको जितना सजग करें उनको सुरक्षा दें, ये हमारा कर्तव्य है। जी, मेरा नाम प्रज्ञा श्री है, मैं मिस दीवा वाइवेशियस 2019 रह चुकी हूँ। लास्ट ईयर ये हल्द्वानी में वो कॉन्टेस्ट हुआ था तो उसमें मैं विनर थी और उसके बाद फिर इनके क्लब से मैं जुड़ी और फिर इनके साथ मैं घूमती हूँ, जगह जगह गाँव वगैरह में जाती हूँ और जो बच्चे हैं जो कि पढ़ नहीं पाते उनको मैं इनके साथ मिल करके बांटती हूँ, कॉपीज हो गए, पेंसिल्स, ये सब मैं इनके साथ मैं घूमती हूँ और समाज सेवा में। कैसा लग रहा है आज छात्र क्लब यूनिट की ओर से इस मंच पर आकर के, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने मुझे सम्मानित भी किया, मुझे एक सर्टिफिकेट भी दिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसी तरह से भाई आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ें, इनको देख करके अपने जीवन की प्रतिभा को निखारें।